Hello guys, welcome to the Educational Rangers, where there is no range of education. Students, today we are going to learn a very important chapter of class 8, that is force and pressure. So without wasting our time, let us start the chapter. The first topic of this chapter is discovery of force. तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है कि फोर्स की खोज हुई कैसे। तो इसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं, जिसमें से जो सबसे फेमस कहानी है वो क्या है कि एक बार न्यूटन अपने बगीचे में बैठे होते हैं, उनके पास एक फल आकर के गिरता है और उस फल को जब वो देखते हैं तो सोचते हैं कि ये जो फल है वो नीचे ही क्यों आकर के गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं चला गया। ठीक है, बाद में उन्होंने इसके बारे में रिसर्च किया, स्टडी किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस किए और उन्होंने फोर्स को डिफाइन किया और बहुत सारी जानकारियां हमें फोर्स के बारे में उन्होंने दिया। ठीक है, अब हमें फोर्स के डेफिनेशन को सीखने से पहले सबसे पहले हमें सीखना होगा पुश और पुल के बारे में। और अगर हम लोग पुश और पुल के कंसेप्ट को अच्छे से समझ लेंगे तो हम फोर्स को ईजिली डिफाइन कर सकते हैं। ओके, आइए हम लोग सीखते हैं पुश और पुल को एक एग्जांपल के माध्यम से। सपोज आप लोगों ने एक गेम देखा होगा जिसका नाम है शॉटपुट। ठीक है, उस शॉटपुट गेम में आपने क्या देखा होगा कि जो एथलीट है वो बॉल को इस तरीके से लेकर के बॉल को थ्रो करता है। ठीक है, तो जब एथलीट बॉल को लेकर के इस तरीके से थ्रो कर रहा है तो एक्चुअली वो क्या कर रहा है, बॉल को पुश कर रहा है। ओके, और दूसरी तरफ आप एक एग्जांपल देखिए, आप लोगों ने गांव में देखा होगा कि जो महिलाएं जब कुएं से पानी निकालती हैं बाहर तो रस्सी को वो अपनी ओर खींचती हैं, तो जिस दौरान रस्सी को वो अपनी ओर खींच रही हैं एक्चुअली वो क्या कर रही हैं, रस्सी को पुल कर रही हैं। ओके, एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। अगर आपसे बोला जाए बच्चों कि इस दरवाजे को आप लोग ओपन करिए, तो आप क्या करोगे, इस डोर हैंडल को पकड़ करके अपनी ओर इस तरीके से खींचोगे। तो जब इस डोर हैंडल को पकड़ के अपनी ओर खींच रहे हो तो इसको आप क्या कर रहे हो, पुल कर रहे हो। ओके, अगर आपसे बोला जाए कि दरवाजे को बंद करिए, तो आप क्या करोगे, इसके ऊपर एक इस हैंडल को पकड़ के आप इस तरीके से इसको धक्का लगाओगे तो फिर ये क्या होगा, दरवाज़ा बंद हो जाएगा। ठीक है, तो हियर वी हैव ऑब्जर्व दैट टू ओपन द डोर वी हैव टू पुल इट एंड टू क्लोज द डोर वी हैव टू पुश इट। ठीक है, इन दोनों एग्जांपल में आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, वो क्या कि जब हम किसी चीज़ को अपनी ओर लाने की कोशिश करते हैं तो एक्चुअली उसको हम क्या करते हैं, पुल करते हैं, और जब हम किसी ऑब्जेक्ट को अपने से दूर ले जाते हैं तो उसे हम पुश करते हैं। ठीक है, ये बात आप लोग अच्छे से नोटिस करिएगा। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं बच्चों कि फोर्स होता क्या है। तो फोर्स इज नथिंग बट इट इज सिंपली डिफाइंड एज पुश और पुल, पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर या तो पुश करेंगे या तो पुल करेंगे तो वो जो ऑब्जेक्ट है कुछ एक्सपीरियंस करेगा और वही जो एक्सपीरियंस होता है वो उसको हम लोग क्या टर्म देते हैं, फोर्स देते हैं। ठीक है, और इसको हम सिंपली कह सकते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को खींचा जाएगा या किसी ऑब्जेक्ट को धक्का दिया जाएगा तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो फोर्स इज सिंपली डिफाइंड एज टू पुश और पुल एन ऑब्जेक्ट। ओके, अब बच्चों बात करते हैं आगे उसके कि व्हाट इज द कॉज ऑफ फोर्स, फोर्स का कारण क्या है। ठीक है, फोर्स एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स कैसे लगाता है, कैसे पॉसिबल है कि कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा सके। ओके, तो इसका जो कारण है वो क्या है, इंटरेक्शन। उसका कारण क्या है, इंटरेक्शन। अब ये इंटरेक्शन होता क्या है इसको हम लोग समझते हैं। आप लोग सिंपली
समझिए कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मिलता है, उनके कांटेक्ट में आता है, तो एक्चुअली वो क्या कर रहा होता है, एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। उसी तरीके से जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से इंटरेक्शन करता है तो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होता है। आइए इस बात को हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एक कार है, ठीक है, और यहां पर एक आदमी खड़ा है, ठीक, और ये जो आदमी है वो एकदम स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ा है, ठीक है, इसके और इसके बीच में कोई भी संपर्क नहीं है, कोई भी कांटेक्ट नहीं है, ठीक है। और जब इन दोनों के बीच में कोई भी कांटेक्ट नहीं होगा, इसका मतलब इन दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, और जब इन दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होगा तो यहाँ पर फोर्स अप्लाई भी नहीं होगा, ओके। और इसका रिजल्ट क्या होगा, ये कार मूव करता हुआ आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा एक एग्जांपल और ले सकते हैं, अगर इसी आदमी को आगे भेज दिया जाए और ये आदमी क्या कर रहा है, इस कार को अगर पुश कर रहा है, ठीक है, तो जब ये आदमी कार को पुश करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट हो गया, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो गया, और जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट करेगा तो इस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, और ये कार मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो फ्रॉम दिस एग्जाम्पल वी मे कंक्लूड दैट इफ वन ऑब्जेक्ट वॉन्ट्स टू अप्लाई फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट देयर मस्ट बी इंटरेक्शन बिटवीन देम, ओके। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने इस वीडियो में फोर्स के डिस्कवरी के बारे में पढ़ा, पुश और पुल के बारे में पढ़ा, और फोर्स के डेफिनेशन के बारे में पढ़ा, और फोर्सेस का कारण क्या होता है, दैट इज इंटरेक्शन, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फोर्सेस के इफेक्ट्स को, फोर्सेस के मैग्नीट्यूड्स को, फोर्सेस के डायरेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।